चलिए ध्यान। हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं इंट्रा स्टेट परचेज इनवाइस एंट्री टैली प्राइम में कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने कल के क्लास में पढ़ाया था इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को कैसे हम लोग करेंगे, आज के क्लास में सीखने वाले हैं इंट्रा स्टेट परचेज इनवाइस की एंट्री कैसे करेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इंट्रा स्टेट को लोकल ट्रांजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे जो जीएसटी हम लोग लागू करेंगे वह होगा सीजीएसटी और ईएसजीएसटी। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं कैसे होगा। अभिषेक सुजीत यादव, माइक्रोफोन बंद कर देना बाबू दोनों। अभिषेक सुजीत पढ़ते रहिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैसेज कीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। बिट्टू तीनों रूमियों को है सब। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक हमारे पास बिल है उसी को समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है टैक्स इनवाइस, और यहाँ पे दिया इनका जीएसटी नंबर, और यहाँ पे दिया इनका डिटेल। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले क्लासेस में कंप्यूटर एम्पायर से हमने कई सारे ट्रांजेक्शन किया था, कंप्यूटर एम्पायर से हमने कई सारे ट्रांजेक्शन किया था, लेकिन जो आज का ट्रांजेक्शन है थोड़ा अलग है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, जैसे यह मेरे सप्लायर का डिटेल है और यह मेरे फर्म का डिटेल है, इतना तो सेम दिख रहा है, लेकिन जैसे हम नीचे आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, और देखिए गुड्स जो है वो है पहला फॉक्सिन मदरबोर्ड, दूसरा इंटेक्स टेक्नो एसएमपीएस, और तीसरा है टेक कॉम सीपीयू फैन। इस मतलब क्या है, यहाँ पे आइटम तो तीन ही है लेकिन डिटेल बहुत सारा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है और यहाँ पे भी सीरियल नंबर दिया गया है। मीन्स जैसे होता क्या है, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें सीरियल वाइज हम लोग ट्रांजेक्शन को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्रिंटर खरीद रहे हैं तो प्रिंटर का सीरियल नंबर दिया रहता है, जिस सीरियल नंबर से हम आसानी तरीके से अगर फ्यूचर में अगर हमारा वो प्रिंटर खराब हो जाता है, वो डिवाइस खराब हो जाता है, तो हम कंप्लेन करके सीरियल नंबर से सर्विस ले सकते हैं। तो वैसे क्या होता है, जब कोई हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं और ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं, तो वहां पे उस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सीरियल नंबर दिया होता है, और उस बिल में उस आइटम के साथ हमको सीरियल नंबर मेंशन करना होता है। उसी सीरियल नंबर को या उस पार्ट नंबर को अगर हम चाहते हैं अपने बिल में मेंशन करके दिखाएं, तो उसके लिए टैली में फीचर्स दिया गया है पार्ट नंबर या स्टॉक आइटम पे कैसे पार्ट नंबर हम इंक्लूड करते हैं, मेंशन करते हैं, वह एक एक करके हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं। जैसे इस बिल में दिखाया जा रहा है ऑक्सिन मदरबोर्ड G41 DDR सेकंड, और यहाँ कल का हो गया है नहीं, वो देखिए उसके बाद से यहाँ पे नंबर दिया है FBMG41 मीन्स इस फॉक्सिन मदरबोर्ड का यह सीरियल नंबर दिया है, और यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2, 3 सीरियल नंबर दिया है। मींस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस सीरियल नंबर को मेंशन करना चाहते हो पार्ट नंबर में मेंशन कर सकते हो। सपोज फॉक्सिन मदरबोर्ड का मुझे 2 सीरियल नंबर लेना है, फर्स्ट और सेकेंड। इंटेक्स टेक्नो का फर्स्ट और सेकेंड, और यह तो नॉर्मल हमारा है, मतलब 2 पे हमको पार्ट नंबर देना होगा, और पार्ट नंबर देते कैसे हैं, आइटम क्रिएट करते समय देते हैं। अब फायदा क्या होगा पार्ट नंबर से, अगर हम किसी को सेल करते हैं अगर कोई उसका पार्ट नंबर भी बताता है तो भी हम आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, या इनकेस फ्यूचर में अगर उस प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो तो सीरियल नंबर के सारे आसानी तरीके से जान सकते हो। तो चलिए हम एक ट्रांजेक्शन करके देखते हैं कैसे किया जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमको एक आइटम क्रिएट करना होगा। आइटम क्रिएट करने के लिए हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और आते हैं क्रिएट, क्रिएट स्टॉक आइटम, और यहां पे जो आइटम है वह है फॉक्सिन मदरबोर्ड।
फॉक्सी मदर बोट G41 DDR2। हाँ, अब हम सोच रहे पार्ट नंबर यहीं पे दे, तो पार्ट नंबर देने के लिए यहीं पे करेंगे F12 बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, और कीबोर्ड से F12 बटन दबाते समय एक ऑप्शन आएगा जनरल डिटेल में, प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम, इसी को क्या करेंगे, यस करेंगे, और यस करने बाद कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। आलिया इन्हें हमने पिछले क्लास में बताया था, इंटर बटन दबाएंगे और यही पे पूछा जाता पार्ट नंबर, तो जो पार्ट नंबर है वो हम आंसर कर देते हैं F MB G41। हमने किया F MB G41 00919 19। इंटर, फिर से पूछा इसका कोई आलियाज नेम है, नहीं, हमको आलियाज नेम में ही एक और पार्ट नंबर मेंशन करना है, हम आसानी तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं F MB G41, ये भी देना है दे सकते हैं, या कोई जरूरी नहीं है, मैंने एक ही दे दिया, और यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे, और अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है तो हमने कर दिया अल्ट सी और मदर हो। उसके बाद से है सेटल्टर जीएसटी डिटेल, हमने किया मदर बोर्ड एचएसएन कोड वो है 84 71, टैक्सेबल और जीएसटी 9% 9% मीन्स 18%। लेंगे विशेष और एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम वैसा अगला है इंटेक्स टेक्नो एसएमपीएस, इंटेक्स टेक्नो एसएमपीएस, और पार्ट नंबर जो है वह है 210 215 201 102। इंटर अंडर ग्रुप कोई दिक्कत, उसके बाद अंडर ग्रुप लेंगे हम अल्ट सी एसएमपीएस, हम बनाए होंगे एसएमपीएस पीसेस और इसको एक्सेप्ट कर देंगे, और लास्ट है वो है टेक कम सीपीयू फैन, टेक कम सीपीयू फैन, और यहाँ पे अगला क्या है पार्ट नंबर इसका दिया नहीं है, इंटर दबाएंगे और हमने कर दिया यहाँ पे, चलो मदरबोर्ड में इसको इंक्लूड कर देते हैं पीसेस और एक्सेप्ट। अब बैक आएंगे, क्वेश्चन करने का तरीका सेम है लेकिन रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं वो हम लोग दिखने वाले, आ जाएंगे बाउचर में F9 सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है वह है 1983, हमने लिखा पार्टी नेम है कंप्यूटर एम्पायर, कंट्रोल ए करके सेव, कंट्रोल ए सेव, परचेज लेजर हमने लिया लोकल अल्ट सी परचेज लोकल, अंडर ग्रुप
परचेज अकाउंट। पढ़ लो जरी, पढ़ लो तुम जाओ जाओ पढ़। नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम अगला क्या है? आइटम नेम पहला है फॉक्सिन मदरबोर्ड, फॉक्सिन मदरबोर्ड। क्वांटिटी वह है 3 पीस। रेट 1728 रुपए 81 पैसे, 1728 रुपया 81 पैसे। इस अगला इंटेक्स्ट क्वांटिटी 3 पीस 419 रुपया, 419 रुपये 49 पैसे। नेक्स्ट टेक सीपीयू फैन क्वांटिटी 3, रेट 135 रुपया 59 पैसे, 50 पैसा है ना, 419 रुपया, 419 रुपया 49 पैसे। ठीक है, उसको क्या करेंगे? सीजीएसटी और ईजीएसटी। टोटल जो बिल आया है वो आया है 7858 पे 45 पैसे। राउंड अप लगा देंगे। राउंड अप लगाने का क्या तरीका है? यहां पे आएंगे और लेंगे राउंड अप, और राउंडअप यहां से राउंडअप का सेटअप यहां से चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल इंटर और यहां कर देंगे नॉर्मल राउंडिंग कंट्रोल ए। तो टोटल हमारा बिल आ गया 8085। क्लियर है? बोलो, ऐसा दिक्कत क्यों आ रही थी? क्योंकि हमने एसएमपीएस में जो ग्रुप था उसमें जीएसटी ने डाला ही नहीं था, इसीलिए बैलेंस कम आ रहा था। क्लियर है ना? अब चलिए, इतना एंट्री करने के बाद अगर इसको सेव करते हैं और सेव करके प्रिंट देखते हैं तो क्या होता है? अब हम आते हैं पेजअप दबाते हैं, और पेजअप दबाने के बाद से आ जाते हैं प्रिंट में और करंट प्रिंट में। अगर प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे पार्ट नंबर नहीं शो हो रहा है। हम सोच रहे पार्ट नंबर भी शो हो, जो हमने पार्ट नंबर इस बिल में जैसे शो हो रहा है इस बिल में, सेम वैसी पार्ट नंबर हमारी बिल में भी शो होना चाहिए। तो इसके लिए करेंगे क्या, बैक आएंगे और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें, और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद से नीचे आएंगे और यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम। इसी पे इंटर बटन दबाएंगे, और इंटर बटन दबाने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आएगा नेम और पार्ट नंबर। हमको नेम भी चाहिए और पार्ट नंबर भी चाहिए, तो क्या लेंगे यहाँ पे, नेम और पार्ट नंबर। और नेम और पार्ट नंबर लेते ही और कंट्रोल ए करेंगे और फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर के साथ यहाँ पे शो होने लगा फॉक्सिन मदरबोर्ड, और यहाँ पे पार्ट नंबर टेक इंटेक्स टेक्नो, और इसका यहाँ पे पार्ट नंबर। तो अगर पार्ट नंबर शो कराना है इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके लिए हमको प्रिंट करते समय कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगर पे आएंगे और यहीं पे ऑप्शन आएगा डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम, यहीं पे इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे जो शो कराना है बिल पे वो शो करा सकते हैं। केवल अलियाज नेम, केवल डिस्क्रिप्शन, केवल नेम, नेम और डिस्क्रिप्शन, केवल नेम ओनली, या पार्ट नंबर, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शो करा के दे सकते। क्लियर है? अरे सर जी पढ़ा रहे हैं, सर जी को पढ़ा रहे हैं सब। आप आसानी तरीके से यहाँ पे करके देख सकते हो। ये हमने सीखा आज कि टैली में पार्ट नंबर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हाँ, पार्ट नंबर का कंफ्यूजन ये ना होना चाहिए, जैसे सपोज मान लीजिए हमारा एक कंप्यूटर है
और इसका भी कोई पार्ट नंबर है तो उसमें मेंशन कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है उसका कोई नंबर दिया गया है, पार्ट का नंबर दिया गया है, ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग पार्ट नंबर फीचर इनेबल करके उस बिल को एंट्री कर सकते हैं, आप बिल में शो करा के दिखा सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो इसको हम सेव करते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड ऑनलाइन वाले? कुछ पूछना है मैसेज? सर एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन को, बोलो। नहीं किसे इस बार कह रहा है? यस सर, चेक कर रहे इस पर क्या कह रहा है। इसमें उसमें दिखाते रहता व्हाट्सएप के जैसे ऑनलाइन है, टाइप कर रहा था ना। मैसेज करो जल्दी से बाबू। टाइपिंग कर रहा है, अभी पता चल रहा है। इमोजी भी देखो डाल सकते हो, इतने सारे हैं, इसे भी दिया है। करा रिपीट कीजिए। क्या रिपीट करे बाबू? हाँ हाँ पूछ सकता है, समझ नहीं आया है उसका रिकॉर्डिंग देख लेना। सर एक बार रिपीट कीजिए, समझ नहीं आया। इसका रिकॉर्डिंग चेक कर लेना बाबू, देख लेना, सेम वही है। बस दो तरीका है, जैसे आइटम बनाते समय पार्ट नंबर इनेबल करना पड़ेगा, जैसे पहले सबसे पहले करना क्या है, जो आइटम पार्ट नंबर देना है क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे आएंगे और यहीं पे F12 बटन दबाएंगे और यहां से पार्ट नंबर को शो कराएंगे। ये पे लिखा है प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस करेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। सेम वही प्रोसीजर है, आइटम नेम, पार्ट नंबर, ग्रुप, यूनिट एक्सेप्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट अगर बिल जब बना लेते हैं प्रिंट करने जाएंगे तो वहां पे बस हमको करना क्या है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, प्रिंट पे, करंट पे, और कॉन्फ़िगरेशन में हमको फिर से वही तरीके जैसे अलियाज को शो कराए थे वैसे में आ जाएंगे, डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम, इंटर, और यहां से कर देंगे नेम और पार्ट नंबर और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। और सारा एंट्री पहले जैसा ही है, यहाँ पे पार्ट नंबर शो होने लगेंगे। हाँ तो वही अलियाज कर देंगे, पढ़े नहीं होगा दोनों शो करा सकते हैं। दिया तो है आपसे, ओके। चलो हो जाएगा जी। तुम क्या करे वालिया शो कराना है, तालिया देखे तो करा दोनों, ठीक है कन्फिगर में आ जाओ। अरे भी तो दिया है, लेकिन इसमें देखना आइटम तो उसके, इसके लिए देखो दिखा ना पार्ट नंबर आलियाज नंबर दिख रहा है क्या, पार्ट नंबर आलियाज। हाँ वही पार्ट नंबर, यही सब है, केवल पार्ट नंबर आलिया नंबर चाहिए, दोनों यही है। और पार्ट नंबर तब नेम चाहिए तो पार्ट नंबर तब नेम आए, बोलो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक है? कैसे शो करें कर ले जाओगे? चलिए तो यह कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद सब भी एक ही जैसा है, जैसे 10 नंबर 11 नंबर कोई अंतर नहीं, इसमें पार्ट नंबर दिया, ठीक है? और यह क्या दिया है, नहीं है क्या दिया है? हाँ वही है, इसका अलियाज नहीं दे सकते। और अगला क्या है, सेम हो ऐसा ही जैसे पढ़ाया था, कोई अंतर नहीं। तो आज करना है 10, 11 और 12, ठीक है?
कल के क्लास में आपको पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या ईवे बिल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल कोई एब्सेंट मत हो। लेकिन एक बात है, उसका प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, तुम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो आपको सर, क्यों? कि उसके लिए ओरिजिनल यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सारा काम है, तो हम बता देंगे कैसे करोगे, सबमिट हम भी नहीं करेंगे, टेक्स उसके ऊपर चढ़ जाएगा जिनका आईडी लेंगे, हम बता देंगे कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो सर के पास आईडी है, उसे मांग के हम तुमको बता देंगे पूरा कैसे होगा, ठीक है ना, लेकिन उसको सबमिट नहीं करेंगे। रीजन क्या है? रीजन यही है कि अगर सबमिट कर दिए तो उतना लाख रुपए टैक्स पड़ जाए, उनको देना पड़ेगा, ठीक को, तो हम तुम कहेगा आपको सैलरी कटवा दो, क्या कटवाया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जाओ आराम से सो, सुजीत बिट्टू अभी से ऐस कर।